प्रदेश के मशहूर लोक कलाकार तथा इंडिया व एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड धारक जोगेंद्र हावी व उनके कलाकारों के दल ने आकाशवाणी जलंधर द्वारा हंसराज महिला महाविद्यालय जलंधर के रागिनी ऑडिटोरियम में आयोजित संगीत सभा में जिला सिरमौर गिरिपार क्षेत्र के हाथी जनजातीय नृत्य विधाओं का प्रदर्शन किया। G20 की अध्यक्षता के उपलक्ष में मनाए गए इस लोक कलाओं के मेले में लोक एवं जनजातीय नृत्यों का प्रदर्शन किया गया। इस उपलक्ष पर HMV कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर अजय सरीन, दूरदर्शन जलंधर के फॉर्मर डायरेक्टर डॉक्टर ओम गोरी दत्त शर्मा, आकाशवाणी जलंधर की फॉर्मर ADP मोनिका दत्त शर्मा, आकाशवाणी जलंधर के प्रमुख परमजीत सिंह सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद रहे। जोगिंदर हावी व साथी कलाकारों का दल आकाशवाणी से भी हाई मान्यता प्राप्त है। आकाशवाणी जलंधर द्वारा अंतरराज्यीय सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित की गई इस संगीत सभा में जिला सिरमौर के हाथी जनजातीय नृत्य विधाओं के प्रदर्शन हेतु जोगिंदर हावी व साथी कलाकारों को आमंत्रित किया गया। इस लोक एवं जनजातीय उत्सव में हावी व साथी कलाकारों ने हाथी जनजातीय क्षेत्र के ठोडा नृत्य, रेहालती, परात नृत्य, मुंजरा नृत्य, रासा नृत्य तथा देव परंपरा से जुड़े आदिकालीन सेंटू नृत्य की प्रस्तुति देकर जिला सिरमौर के गिरिपार क्षेत्र के हाथी जनजातीय समुदाय की संस्कृति को जलंधर के दर्शकों के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसका रागिनी ऑडिटोरियम में बैठे सैकड़ों दर्शकों ने भरपूर आनंद लिया और कलाकारों पर जमकर तालियां बरसाई। हुण तुहानू लैके चलदे हिमाचल प्रदेश। जोगिंदर सिंह हाबी ते उहनां दे साथी कलाकार हिमाचल प्रदेश दे जिला सिरमौर दे हाटी जनजाति समुदाय नाल संबंध रखदे ने ते जोगिंदर हाबी दी अगवाई विच ए ग्रुप इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ते एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स विच अपना नाम दर्ज करवा चुका। इन्हां ने वर्तमान राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी, श्री प्रणब मुखर्जी जी, श्रीमती प्रतिभा पाटिल होरां दी विशेष हाजरी विच सिरमौरी नाटी ते हाटी जनजाति लोक नाचां दी पेशकारी एक वारी नहीं, दो वारी नहीं, कई वार कीती है। इस तों इलावा देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ते डॉक्टर मनमोहन सिंह होरां नूं भी ये अपनी शानदार कला दे जौहर दिखा चुके ने।
लाइफ टाइम्स टीवी के लिए राजगढ़ से जीडी शर्मा की रिपोर्ट।